जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ऐसे 8-10 लोग आ जाएंगे तो स्टार्ट। ठीक हो गया सर। और सर सुनाए, आप तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, सही है। इस हिसाब से देखें, बाकी मेंबर से भी कहेंगे कि जो लोग कुछ टाइम से एमएससी या एमफिल करके बैठे हुए, मुझे खुद एमफिल किए हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, तो मैंने पीएचडी का ना सोचा ना ही इस तरफ ट्राई की, तो मुझे अब पता चला कि बाबर साहब सुबह पीएचडी का टेस्ट भी देने जा रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों ने भी, हालांकि अच्छा बाज़ लोग जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि जैसे फाइनेंशियल हमारी कंडीशंस बेहतर होगी तो फिर हम क्या करेंगे, पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। तो अब ये देख लें कि 2013 में जब मैंने एमफिल की थी तो उस वक्त पीएचडी की फीस 20,000, तो अब पीएचडी की फीस जो है वो अच्छी खासी है, अगर सैलरीज बढ़ गई हैं तो फी भी उस हिसाब से बढ़ गई है। उसके अलावा जिसे कहते हैं मूव करने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसके एक्सपेंसेस भी वक्त के साथ साथ बढ़ गए हैं, तो जो लोग स्टेप लेते हैं वो फिर इन चीज़ों पे सोचे समझे बगैर स्टेप ले लेते हैं, तो वक्त के साथ साथ एक चीज़ होती है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन हमेशा आ जाया करती है, कोई भी चीज़ है, मतलब हम लाइफ में अक्सर जिसे कहते हैं चैलेंजेस इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि अगर हम उन चैलेंजेस की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी में जो सबसे अगर मैं कहूँ कि खूबसूरत टर्म है वो है अडाप्टेशन। वक्त के साथ साथ हम चीज़ों में इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं अपने एक्सपेंसेस, अपने मामलात के वो काम हो जाया करते हैं। खैर, हम बाबर साहब के लिए भी दुआ करेंगे, वो जब पीएचडी करने जा रहे हैं तो वो इसे कहते हैं कि आसानी से या अच्छे से, सबसे बड़ी बात है कि अच्छे से अपनी पीएचडी जो वो कर जाएं। तो इसमें देख लें कि जो 11 लोग आ गए हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। कल थोड़ी सी टर्म देखी थी मैंने, तो एक बल्कि आप लोग सुन ही रहे हैं, ठीक है, वो शेयर कर दें, उन्हीं टर्म्स की तरफ चले जाते हैं। तो कल पेनिट्रेंस और दूसरा एक्सप्रेसिविटी जो है, इस पर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा मजीद बयान कर दे। तो पेनिट्रेंस में यही बताया था कि बाज़ुकात आप कह सकते हैं कि कोई म्यूटेंट अलील किसी पॉपुलेशन में मौजूद होता है, लेकिन उस पॉपुलेशन में तमाम लोग उसके फिनोटाइप को जाहिर नहीं कर रहे होते, ठीक है, चंद एक मेंबर जो है वो जाहिर कर रहे होते हैं, सारे लोग उसको जाहिर, तमाम मेंबर उसको जाहिर आमतौर पे नहीं कर रहे होते, तो वो जो रेशो है उन लोगों की जो उस पार्टिकुलर फिनोटाइप को जाहिर कर रहे होते हैं, तो वो जो है रेशो, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेनिट्रेंस की। और जो एक्सप्रेसिविटी है उससे मुराद ये होता है कि किसी भी चीज की, यानी कि सिम्टम्स, उसकी जो सिम्टम होगी, वो लोग जो उस फिनोटाइप को शो कर रहे होंगे या जाहिर कर रहे होंगे उनमें आप ये कह सकते हैं कि उस चीज की आप कह सकते हैं डिग्री जो है, ठीक है, वो किसी में ज्यादा होगा एक्सप्रेशन, किसी में क्या होगा कम होगा, इसमें हम कहते हैं मीडियम होगा, तो वो जो फर्क है, ठीक है, उस एक्सप्रेसिविटी का, तो उसी को हम नाम देते हैं यहाँ पर एक्सप्रेसिविटी का। ये थोड़ी सी दो टर्म अच्छी टर्म थी, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की। इसके अलावा जीन और अलील, वैसे तो हम पढ़ लेते हैं कि जीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, अलील की बात करते हैं तो हम टर्म यूज कर लेते हैं कि ये अलील क्या है, अलील जो है वो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, लेकिन अगर जिस तरह उसमें कुछ लोग हैं मैं देखता हूँ कि बेशक उन्होंने स्टार्ट किया स्टडी को, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि हमें चीज़ क्लियर नहीं हुई। क्लियर से मुराद ये है कि एक अच्छा इमेज इंसान चाह रहा होता है कि उस चीज़ का जहन में बैठ जाए। उस पर मैं स्टडी कर रहा था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, तो कुछ जीन में और लील में फ़र्क क्या होता है,
ठीक है, हालांकि दोनों क्या कर रहे होते हैं, सेम ही ट्रेड को जाहिर कर रहे होते हैं, मतलब सेम लोकस पे मौजूद होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं, तो जो अलील है ठीक है उसमें वो जीन से इस तरह से मुख्तलिफ होता है कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जीन के अंदर जब म्यूटेशंस होती हैं तो उससे क्या बनते हैं, अलील बनते हैं। ठीक है, जितनी आप कह सकते हैं कि जितनी उसकी पॉसिबल म्यूटेंट फॉर्म होगी वो क्या होंगे, सारे के सारे उसके अलील होंगे। अच्छा, उसमें म्यूटेशन, अब हम आमतौर पर ये समझते हैं कि किसी चीज में म्यूटेशन हो गई, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया का पढ़ लेते हैं कि सिर्फ एक बेस चेंज हो गई, उससे क्या हुआ कि वो जो 546 अमीनो एसिड हैं उनमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो पूरी की पूरी प्रोटीन का फंक्शन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन देखिए म्यूटेशन की भी बहुत सारी टाइप्स होती है, हर बार ऐसा नहीं होता कि अगर क्या होगा म्यूटेशन होगी तो प्रोटीन का फंक्शन जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फर्क आ जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टोटली तौर पर फंक्शन जो है वो लॉस हो जाए। तो जो हमेशा अलील जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्हीं जीन के अंदर म्यूटेशन के नतीजे में ही वजूद में आते हैं। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो मेंडल की थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी थी कि शेयर कर दे सलीम जो है कि उस हिस्ट्री में देखना चाहते कि मेंडल ने किन किन हालात में काम शुरू किया, ठीक है, और उसके अलावा उसके जो काम है उसके साथ क्या बना और हम तक उसका काम जो है वो कैसे बन पहुंचा, इसको देखते हैं। उसके बाद कल जो है हम बाकायदा तौर पे उसका जो काम है उसी को पढ़ेंगे। जी, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम साइंटिस्ट का क्या करते हैं, जिस तरह हमें एक दूसरे का सिर्फ एक ही नाम पता होता है, ठीक है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, तो वैसे ही मेंडल के बारे में भी जब भी बात होती है कि हम उसका नाम ऐसे मेंडल ही ले रहे होते हैं तो पूरा नाम लेना क्यों जरूरी है, डार्विन का, चार्ल्स डार्विन का या मेंडल का, क्योंकि इनके फादर का भी वही नेम है, सेम नेम है जो कि हम जानते हैं। यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जो जोहन मेंडल है या जिसको हम ग्रिगर मेंडल के नाम से जानते हैं, उनके फादर का नाम भी क्या था, एंटोन मेंडल ही था। तो बहरहाल यहाँ पर उसकी बर्थ का बताया हुआ है कि 1822 में वो पैदा हुए, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, तो इतना तो इंटर की बुक्स के अंदर भी मौजूद है। इसके बाद तकरीबन तीसरी से चौथी लाइन बन जाती है कि वो अपनी यूथ में क्या थे, काफी डिजास्टर का या पुअर, आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली पुअर थे, उसके अलावा एक सैड लाइफ जो है अपनी यूथ में उन्होंने गुजारी। तो इससे आप आम लाइफ में ये भी देख सकते हैं कितने बड़े साइंटिस्ट जो हैं जो उस मकाम पे पहुंचे, तो उन्होंने भी अगर मुश्किल हालात में काम किया तो हमारे बहुत सारे जिसे कहते हैं कि यहाँ पर दोस्त हैं, ठीक है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें डिफिकल्टीज का जिसे कहते हैं सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए ग्रो करना मुश्किल है। तो अक्सर लोग जो है इन मुश्किल हालात में भी क्या कर जाते हैं कि ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छा खासा कर जाते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। तो यहाँ पर मजीद जहाँ पे ग्रिगर का वर्ड यूज हुआ है उससे अगर आप एक दो लाइन नीचे आ जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेंडल ने जो है ओवरऑल उसकी एक्सपर्टीज कौन सी फील्ड में थी। हम इस हिसाब से तो जानते हैं कि वो फादर थे या पादरी थे, ठीक है, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पे जो फादर या पादरी होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजील को पढ़ लेने से, ठीक है, या थोड़ा और मजबी किताबें पढ़ लेने से उनको ये ड्यूटी सौंप दी जाती है, बल्कि उनकी आज भी अगर आप उन लोगों को देखें तो एटलीस्ट कम से कम मास्टर और एमफिल लेवल के लोग होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसने पादरी था शोबे के हिसाब से, लेकिन उसने एग्रीकल्चर को, ठीक है, एग्रीकल्चर को क्या किया हुआ था, पढ़ रखा था। उसके अलावा अक्सर लोगों से आप पूछेंगे जहाँ लिखा हुआ है 1851 टू 1853, तो उसने क्या की थी, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस को ये 2 साल पढ़ा था, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे उसने मैथमेटिक्स को और नेचुरल साइंस को 2 साल पढ़ा। आज भी अगर आप लोगों से पूछते हैं कि मेंडल वैसे क्या था शोबे के हिसाब से, तो लोग आपको ये बताते हैं कि वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बात थी, इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद उन्होंने काम किया, ठीक है, मेंबर रहे, मेंबरशिप मिली इनको जोलॉजिकल बोटेनिकल सोसाइटी की भी। तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं कि उसका जो एक इंटरेस्ट था वो किस प्लांट पे था, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि पी प्लांट पे क्या था, कि
उसका खास तौर पे इंटरेस्ट था और उस पर उसने क्या किया था, काम किया था। अच्छा, पी प्लांट पे क्या पहली बार मेंडल ने ही काम किया था? आगे चलकर देखेंगे कि क्या वो पहला इंसान था जिसने पी प्लांट को चूज किया, या उससे पहले किन लोगों, क्या कभी किसी ने इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली इसका काम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन का था, तो क्या इससे पहले भी कभी किसी ने प्लांट पे इस लेवल के एक्सपेरिमेंट किए थे या नहीं किए थे? अगर जिन लोगों ने किए थे तो उनके नाम क्या है? आगे चल के देखते हैं जी। नेक्स्ट पेज शेयर करें। नेक्स्ट पेज अभी तक मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ जी, आप मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पेज जो है वो जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसे कहते हैं कि खास तौर पे बताया गया कि अगर आप इसको देखें तो बेसिकली उसका जो काम था प्लांट पे वो क्या था, हाइब्रिडाइजेशन पे उसका काम था। मतलब पी प्लांट पे काम किया था, वो काम क्या है वो तो हम फर्दर जाके देखेंगे। यहाँ पर कुछ बातें ये बताई हुई है कि मेंडल अपने काम में नाकाम क्यों रहा, ठीक है, या अपनी पूरी लाइफ में उसको इग्नोर क्यों किया जाता रहा, तो उस पर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो दो नाम आपको खास तौर पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक कार्ल वॉन, दूसरा एंटोन कर्नर है। ठीक है, ये दो नाम जो है यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ये उस जमाने के बहुत बड़े, आप जिसे कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में साइंटिस्ट माने जाते थे। ठीक है, मेंडल इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, ये दो बंदे जो है आप जिसे कह सकते हैं कि काफी बड़े हाइब्रिडाइजर कह दें, या हाइब्रिडाइजेशन इस फील्ड में जिनके एक्सपेरिमेंट थे वो यानी काफी जिसे कहते हैं कि वेल नोन थे। अब मेंडल से आप जिसे कह सकते हैं कि उसे इसकी मिस्टेक कह दें या कुछ भी कह दें कि उसने अपना काम जो है वो इन्हीं लोगों को पेश किया। ठीक है, बेशक उसके काम की पब्लिकेशन भी हुई। अच्छा, उसके काम की जो पब्लिकेशन हुई उसको अक्सर साइंटिस्ट ने क्यों नहीं पढ़ना इतना गवारा किया। ठीक है, ये लोगों ने क्यों नहीं इतना उसको स्टडी करना गवारा किया, उसकी एक और दो रीजन भी है कि मेंडल जो है उसका एक फील्ड क्या था, मैथमेटिशियन था, और यहीं पर अक्सर लोग जो है थ्योरी और लॉ की भी बात करते हैं, उसमें भी बेसिकली फर्क यही होता है कि लॉ में क्या होती है, कोई मैथमेटिकल किसी भी चीज की फॉर्म होती है। तो खैर, मेंडल का काम थोड़ा आपसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल था, तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है कि ना। दूसरा एक बड़ी वजह ये कि जो नेचेली था, ठीक है, ये मैं अक्सर ये भी कहा करता हूँ कि किसी भी माशरे में, सिर्फ हमारे माशरे नहीं बाकी माशरों में बाजू का ऐसा होता है कि जो ज्यादा वेल नोन लोग होते हैं या ठीक है वेल नोन लोग होते हैं या आपसे कह सकते हैं कि किसी भी इदारे में जी वेल नोन होते हैं या आपसे कहते हैं हायर पोस्ट पे मौजूद होते हैं, उनके लिए ये भी बड़ा जिसे कहते हैं कि इशू होता है कि वो किसी भी नीचे से आने वाले लोगों को फेमस नहीं होने देते। ठीक है, या उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करते। तो कुछ ऐसा ही किया इसने, नजेली ने जब इसे काम उसे अपना पेश किया तो उसने तकरीबन 26 स्पीशीज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 स्पीशीज ऑफ किसकी, हॉक वीड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, हायरेसियम का नाम देते हैं, वो मेंडल को पेश की कि आपने जो पी प्लांट पे काम किया है हमें जरा सिमिलर रिजल्ट्स इन इन स्पीशीज पे या इन प्लांट पर क्या करें, एक्सपेरिमेंट करके आप हमें प्रोवाइड करें। तो अब मेंडल ने क्या किया, इन्हीं प्लांट पर काम किया। अब होता क्या, इश्यूज क्या जिसे कहते हैं आमतौर पे पेश आते हैं, पी प्लांट पे जो काम किया हम कहते हैं वो प्लांट क्या था, डिप्लॉयड प्लांट था, दूसरा उसमें कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स थे जिसकी वजह से, और एक और बात बड़ी बात यह है कि एनुअल प्लांट है, मतलब शॉर्ट ग्रोइंग सीजन में ही आप क्या कर सकते हैं उसके उसे ग्रो करवाते हैं और अपने रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। जब आप उसे ऐसे प्लांट दे रहे हैं, ठीक है, कि वो पॉसिबल, अगर आप इस प्लांट के बारे में सर्च करेंगे जो हॉक वीट बताया है तो ये क्या है, पोलीप्लाइट है। इस तरीके से मेंडल ने भी और प्लांट पे, एंड हम देखेंगे और भी बहुत सारे प्लांट थे जिन पे काम किया, तो वो अगर एक प्लांट आपको, आप उसे पोलीप्लाइट प्लांट दे रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको वो जिसे कहते हैं फिनोटाइप और वो रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिला करते कभी भी।
तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 6 साल उसके जाया हुए, उसने दिन रात काम किया, जिसकी वजह से उसकी आई साइड जो है वो खराब हो गई, उसके अलावा उसको ड्रॉपसी हो गई, उसको हार्ट के इश्यूज आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि अननोइंगली जो है उसकी आप कह सकते हैं कि डेथ हो गई, और वो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक, ठीक है, जिसकी सारी जिंदगी एक स्ट्रगल में गुजरी, आखिरी वक्त तक उसके काम को क्या किया गया, निगलेक्ट किया गया, किसी ने उसको अप्रिशिएट ना किया। तो उसके बाद हम फर्दर देखते हैं जहाँ पर कि जी नेक्स्ट पेज दिखाइएगा, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। हाँ जी, एक और भी एक बड़ी वजह है कि मेंडल के काम पे क्यों नहीं इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई उस वक्त, जो ज्यादा जिसे कहते हैं कि लोगों का फोकस था, तो वो डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उस पे भी जिसे कहते हैं कि वो ज्यादा एक टॉपिक था आवाम के लिए या लोगों के लिए या उसके साइंटिस्ट के लिए, तो उसकी जो है कंसिडरेशन उनकी उस फील्ड पर ज्यादा थी। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन है कि मेंडल के काम पे इतना ज्यादा उस वक्त जो है वो तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ और साइंटिस्ट है, यंग साइंटिस्ट है, जिस तरह हगो डिराइज है, कुरंज है, ठीक है, और वॉन है, इन्होंने क्या किया दोबारा स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, तो मेंडल के जो वर्क है उसको रीडिस्कवर किया और उसको काफी हद तक उसे काम को सराहा। आगे चल के देखते हैं कि मेंडल से पहले इस प्लांट पर या इस जैसे दूसरे प्लांट पर किन लोगों का काम है। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। नेक्स्ट पेज शो नहीं हो रहा मुझे। जी नेक्स्ट पेज बैक करके दोबारा से अगर ओपन करने की कोशिश करें। जी सलीम, जरा इसे बैक करके दोबारा से ओपन करें, अभी तक मुझे शो नहीं हो रहा है इस पेज। शायद ऐसे ही किया है, फिलहाल अभी तक नहीं है आपके पास। चले मैं स्क्रीन शेयर दोबारा। जी जी आ गया। चले फिर ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्री मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक साइंटिस्ट की एक लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे जोसेफ है, तरीके से बाकी भी साइंटिस्ट के नाम है। तो इन लोगों ने काम किस चीज पे किया था, टोबैको प्लांट पे काम किया था। अच्छा, मजे की बात है, टोबैको प्लांट में भी ऐसे ही जैसे कि पी प्लांट है, उसमें कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जो है इतने ज्यादा वेल नोन ना हुए, ठीक है, या आज हम में से किसी का भी नाम नहीं जानते, तो इसकी क्या रीजन है। उसकी एक रीजन ये भी है कि ये लोग वैसे मैथमेटिशियन नहीं थे, ठीक है, जब मैथमेटिक्स के हवाले से इनका वो नॉलेज नहीं था, या मैथमेटिशियन ये नहीं थे जैसा कि मेंटल था, तो जिसकी वजह से देखिए आप ना किसी भी चीज पे काम करते हैं, अगर आप अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते तो फिर आपके काम को नहीं सराहा जाता। तो इससे ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही मेंडल उठा और उसने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोग इन्हीं प्लांट पे, पी प्लांट पे भी, टोबैको प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वो अपने जिसे कहते हैं जो रिजल्ट्स हैं, अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, उसको वो पेश नहीं कर पा रहे थे, जैसे इस तरीके से पेश नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से मेंडल ने पेश किया, जिसकी वजह से उनके काम को आज हमें से कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पर मजीद यही जैसे कहते हैं टोबैको प्लांट के बारे में बताया होगा, उसमें टाल भी थे, डिवार्स भी थे, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि आज हमें से कोई भी इनके काम को बिल्कुल भी नहीं जानता। जी जरा नेक्स्ट पेज पे जाइएगा।
इसमें खास तौर पे आपको लास्ट थर्ड लाइन पे मेंशन भी किया हुआ है कि उन्होंने जो अपने रिजल्ट्स है उनकी जो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो नहीं पेश की, जैसा कि मेंडल ने 1866 में की। ये लास्ट बिल्कुल जैसे कहते हैं दूसरी तीसरी लाइन जो है वहां पर ये बात खास तौर पे मेंशन है। जी नेक्स्ट पेज सर, ये 4 पेजेस हैं जो आपने नोट्स शेयर किए, इससे नेक्स्ट नहीं है? नो सर, प्री मेंडेलियन से नेक्स्ट होगा। अच्छा, प्री मेंडेलियन से नेक्स्ट भी आपको, अच्छा अच्छा खैर शायद हो सकता है, ठीक है। प्री मेंडेलियन से नेक्स्ट जो पेज है उस पर भी आपको कुछ यही बताया हुआ है कि मेंडल ने और भी बहुत सारे प्लांट जो है पे काम किया, लेकिन जो उसकी फाइंडिंग जैसे भी प्लांट पे आई उसी को उसने क्या किया, पेश किया। और बाद में जो साइंटिस्ट है 20th century के थे उन्होंने क्या किया, उस काम को जिसे कहते हैं रीडिस्कवर किया और उस काम को काफी हद तक अप्रिशिएट किया कि जो उसकी फाइंडिंग्स थी, ठीक है, वो हम कहते हैं इससे पहले किसी ने एज इट इज काम नहीं किया। जैसे कि अगर हम DNA की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो रोजर एंड फ्रैंकलिन का नाम लाजमी तौर पे हमारे जहन में आता है। उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्या किए, आप कह सकते हैं कि रेडियोग्राफ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जो रेडियोग्राफ आप इसे कह सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफ रोजर एंड फ्रैंकलिन ने पेश किए थे, जो क्लियर पिक्चर उसने पेश किए थे, उससे पहले कोई साइंटिस्ट नहीं पेश कर सका। वैसे ही हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन में मेंडल से बहुत बड़े बड़े नाम थे, ठीक है। मेंडल को तो शायद उस जमाने में बहुत कम लोग जानते होंगे, उससे बहुत बड़े बड़े नाम थे, उससे पहले भी बहुत लोग हाइब्रिडाइजेशन पे क्या कर सके, कर चुके, काम कर चुके, लेकिन वो अपनी फाइंडिंग्स को वैसे पेश ना कर सके जैसे मेंडल ने पेश की। खैर, ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कहा आज इसको डिस्कस कर लें। और डिस्कस करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर बाज़ूकात हमसे किसी भी साइंटिस्ट के बारे में अगर ये पूछा जाए कि आप उसके बारे में जैसे 1 से 2 लाइन बता दें कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, तो हम कुछ भी नहीं जानते होते। तो अगर आप कोई भी साइंटिस्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बायोग्राफी लाजमी तौर पर देख लिया करे, तो उसके से आपको क्या होगा, कुछ आइडिया होगा कि उसने किस हालात में काम किया और उसके काम को क्यों अप्रिशिएट किया गया। अगर किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया तो उसे क्या मसाइल थे, क्या वजूहत थी, तो वो सब कुछ जानेंगे ना हमें क्या होते, काफी हेल्प मिलती है। खैर, मेंडल के कल क्रॉसिस जो है मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड वगैरह वो सारे क्रॉसिस देख लेंगे। तो आज का दिन हमारे लिए यही टॉपिक ही था। तो ठीक है सलीम, जो है इसको लेक्चर को एंड कर दें, कल इंशाल्लाह मजीद आगे करेंगे। ठीक हो गया सर, अल्लाह।